तो यार कैसे हो आप सब लोग, आज वो एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बने। तो आप लोगों को एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। आपके पास स्टार्टिंग में एक स्मार्टफोन या फिर कोई कैमरा या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में आसानी हो। जब आप लोग यूट्यूब स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप लोग रेगुलर यूट्यूब पे वीडियोस बनाओगे तो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आप लोग सीखते जाओगे। आप लोगों को सबसे पहले वीडियो बनाने की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह देखनी पड़ेंगी कि आप लोगों को किस कैटेगरी पे वीडियोस बनानी है। तो जब आप लोग अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से वीडियोस बनानी पड़ेंगी। सबसे मेन चीज यूट्यूब पे व्यूज लाना है, तो आप लोगों को यह सीखना पड़ेगा कि व्यूज कैसे लाएं। अगर आप लोग अपनी वीडियो के ऑडियंस को रोकना सीख जाओगे कि वीडियो का वॉच टाइम बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और बगैर वॉच टाइम के स्टार्टिंग में जब आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे तो आपको मोनेटाइज की भी दिक्कत आएगी, और बगैर वॉच टाइम के आप लोग चैनल को मोनेटाइज भी नहीं कर पाओगे। और यूट्यूब पे अगर आप लोग शॉर्ट्स से स्टार्ट करोगे तो शॉर्ट्स का सीन अलग है और लॉन्ग वीडियो का सीन अलग है। तो शॉर्ट वीडियो पे अर्निंग भी कम होती है और लॉन्ग वीडियो पे अर्निंग ज्यादा होती है। तो आप लोगों को उस हिसाब से वीडियोस बनानी पड़ेंगी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो अगर आप लोग यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आप लोगों को राय दूंगा कि आप लोग लॉन्ग वीडियो से ही स्टार्ट करना, और न्यू यूट्यूबर के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग इन सब चीजों को फॉलो करो। तो अगर आप लोगों ने ये चीज सीख ली तो आप लोगों के बहुत काम आएगा। आप लोगों में स्टार्टिंग में दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए, सबसे पहला व्यूज लाना और दूसरी चीज वॉच टाइम। और अगर आप लोग ये चीज सीख जाओगे और ऑडियंस को रोकना सीख जाओगे तो ऑडियंस आपकी वीडियो पे रोकेंगी और तरीके से आप लोग यूट्यूब पे ग्रो कर पाओगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।